नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे अपराजिता की बेल। देखिए कितना जल्दी कवर कर लिया। मैं जून में ले आई थी, इसमें दो प्लांट लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पहले बहुत छोटा था, इसकी ग्रोथ हो नहीं रही थी जून में। अभी जैसे मई आया तो मैंने इसमें बराबर लिक्विड 15-15 दिन में उपले का खंडा भिगो के रखती हूँ। 1.5 महीना का ऐसे सरसों के खली भिगो के रख दिए तो डिब्बा 1.5 महीना बाद मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में, ताकि मेरे पौधों में कोई नुकसान ना हो। जब वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है तभी देती हूँ। ये बढ़ नहीं रहा था तो पहले तो लग रहा था कि ये सूख जाएगा, तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दिया था और नीम खली दे दी थी। अभी मैंने फिर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, यही जो कंडा भिगो का और नीम खली, सरसों खली की जो थी भिगो के रखा, तो उसका फर्टिलाइज़र जब मैंने इसमें दिया तो ये 15 दिन में देखो इसकी ग्रोथ इसने पूरा कवर कर लिया है। और कुछ बारिश का पानी से भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, और फर्टिलाइज़र को दोनों को मिलने से ये बहुत तेज़ी से कवर कर लिया और इसमें बहुत सारी कलियाँ भी बनने लगी है, दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये अभी भर जाएगा तो और भी सुंदर लगेगा ये।